श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड अध्याय 86। इंद्र के बिना जगत में अशांति तथा अश्वमेध के अनुष्ठान से इंद्र का ब्रह्महत्या से मुक्त होना। उस समय वृत्रासुर के वध की पूरी कथा सुनाकर नरश्रेष्ठ लक्ष्मण ने शेष कथा को इस प्रकार कहना आरंभ किया। देवताओं को भय देने वाले महापराक्रमी वृत्रासुर के मारे जाने पर ब्रह्महत्या से घिरे हुए वृत्रनाशक इंद्र को बहुत देर तक होश नहीं हुआ। लोकों की अंतिम सीमा का आश्रय ले वे सर्प के समान लौटते हुए कुछ काल तक वहां अचेत और संज्ञा शून्य होकर पड़े रहे। इंद्र के अदृश्य हो जाने से सारा संसार व्याकुल हो उठा। धरती उजाड़ सी हो गई, इसकी आर्द्रता नष्ट हो गई और वन सूख गए। समस्त सरों और सरिताओं में जलस्रोत का अभाव हो गया और वर्षा न होने से सब जीवों में बड़ी घबराहट फैल गई। समस्त लोक क्षीण होने लगे। इससे देवताओं के हृदय में व्याकुलता छा गई और उन्होंने उसी यज्ञ का स्मरण किया जिसे पहले भगवान विष्णु ने बताया था। तदनंतर बृहस्पति जी को साथ ले ऋषियों सहित सब देवता उस स्थान पर गए जहाँ इंद्र भय से मोहित होकर छिपे हुए थे। वे इंद्र को ब्रह्महत्या से आवेष्टित देख उन्हीं देवेश्वर को आगे करके अश्वमेध यज्ञ करने लगे। नरेश्वर, फिर तो महामनस्वी महेंद्र का वह महान अश्वमेध यज्ञ आरंभ हो गया। उसका उद्देश्य था ब्रह्महत्या की निवृत्ति करके इंद्र को पवित्र बनाना। तत्पश्चात जब वह यज्ञ समाप्त हुआ तब ब्रह्महत्या ने महामनस्वी देवताओं के निकट आकर पूछा, मेरे लिए कहाँ स्थान बनाओगे? ये सुनकर संतुष्ट एवं प्रसन्न हुए देवताओं ने उससे कहा, दुर्जय शक्ति वाली ब्रह्महत्ये, तू अपने आप को स्वयं ही चार भागों में विभक्त कर दे। महामनस्वी देवताओं का ये कथन सुनकर महेंद्र के शरीर में दुःखपूर्वक निवास करने वाली ब्रह्महत्या ने अपना चार भाग कर दिया और इंद्र के शरीर से अन्यत्र रहने के लिए स्थान मांगा। वो बोली, मैं अपने एक अंश से वर्षा के चार महीनों तक जल से भरी हुई नदियों में निवास करूंगी। उस समय मैं इच्छानुसार विचरने वाली और दूसरों के दर्प का दलन करने वाली होऊंगी। दूसरे भाग से मैं सदा सब समय भूमि पर निवास करूंगी, इसमें संदेह नहीं है। यह मैं आप लोगों से सच्ची बात कहती हूँ। और मेरा जो ये तीसरा अंश है, इसके साथ मैं युवावस्था से सुशोभित होने वाली गर्वीली स्त्रियों में प्रतिमास तीन रात तक निवास करूंगी और उनके दर्प को नष्ट करती रहूंगी। सुरश्रेष्ठ गण, जो झूठ बोलकर किसी को कलंकित नहीं करते, ऐसे ब्राह्मणों का जो लोग वध करते हैं, उन पर मैं अपने चौथे भाग से आक्रमण करूंगी। तब देवताओं ने उससे कहा, दुर्वसेन, तू जैसा कहती है वो सब वैसा ही हो, जाओ अपना अभीष्ट साधन करो। तब देवताओं ने बड़ी प्रसन्नता के साथ सहस्र लोचन इंद्र की वंदना की। इंद्र निश्चिंत निष्पाप एवं विशुद्ध हो गए। इंद्र के अपने पद पर प्रतिष्ठित होते ही संपूर्ण जगत में शांति छा गई। उस समय इंद्र ने उस अद्भुत शक्तिशाली यज्ञ की भूरी भूरी प्रशंसा की। रघुनंदना, अश्वमेध यज्ञ का ऐसा ही प्रभाव है। अतः महाभाग पृथ्वीनाथ, आप अश्वमेध यज्ञ के द्वारा यजन कीजिए। लक्ष्मण के उस उत्तम और अत्यंत मनोहर वचन को सुनकर महात्मा राजा श्री रामचंद्र जी, जो इंद्र के समान पराक्रमी और बलशाली थे, मन ही मन बड़े प्रसन्न एवं संतुष्ट हुए।